क्षत्रिय संघर्ष समिति जिसके अंदर फरीदाबाद के एनसीआर के हरियाणा के अनेकों अनेक क्षत्रिय संगठन के प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहे, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस प्रकार से कल भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के ऊपर टिप्पणी की गई, ऐसे टिप्पणी करने वालों के ऊपर तुरंत FIR हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। देश के गौरव के साथ, देश की सेना के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते, वो देशद्रोही हैं। हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय के बारे में जानकारियां आप सब मित्रों को दी हैं। हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि जो भूमाफिया लोग हैं, जो शीशपाल भड़ाना है और उसके पीछे कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं उत्तर सम्राट अवतार भड़ाना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो और उनके परिवार के लोग वहाँ पर जमीनों पर जिस प्रकार से उन्होंने फरीदाबाद के अंदर रहने को अनेक जगह जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं, ASI की जमीनों पर प्लॉट काटना चाहते हैं, भारत सरकार की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, और वहाँ पर हमारे महापुरुष सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की प्रतिमा को लगाकर एक उसका भी कद छोटा करके, जिसका एक विराट स्वरूप उसको छोटा करके वो वहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नियत में खोट है। वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जातीय विष घोला जाए, क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो राजहित में नहीं है। अम्बुजी वो तो ये कह रहे हैं हमने मूर्ति लगा दी है, 8 तारीख को तो लंगर है बस। मैं आपसे क्या करूं, कौन क्या करेगा प्रशासन देखेगा, लंगर कौन कौन कहाँ का करता है कैसा करता है। लंगर कराने से अगर मूर्तियां स्थापित होती तो पता नहीं कौन कौन अब तक लंगर कराकर अपनी मूर्तियां स्थापित कर चुका होता। महापुरुषों का नाम उनकी जाति को बदलना गुनाह है। देश के अंदर अनेकों अनेक प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के विषय है, अगर किसी को कोई आपत्ति है, हमने पूरे तथ्यों के आधार पर, हमने ऐतिहासिक किताबों के आधार पर आपके समक्ष सारी प्रस्तुति दे दी है, प्रेस नोट आपको दे रहे हैं, परंतु अगर हम लोग कहते हैं वो हमारे दाई माँ है, वो हमारे दाई माँ के बेटे हैं, हम गुजर राजपूत में फर्क नहीं समझते, हम कभी भी उनके विरोध में नहीं बोलते, परंतु कुछ तथाकथित भूमाफिया अगर वो चाहते हैं कि हम महापुरुषों का नाम लेकर, शासकों का नाम लेकर जमीनों पर कब्जा करेंगे, तो ये क्षत्रिय संघर्ष समिति ऐसा नहीं होने देगी। JNU के अंदर कुछ कम्युनिस्ट लोग, कुछ देश विरोधी ताकतें जो हर बार, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, चाहे वो अनेकों अनेक ऐसे मुद्दे हो जो देश हित के हैं, वो नहीं चाहते इस देश का विकास हो, वो नहीं चाहते इस देश के अंदर सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, वो लोग जातीय विष घोल कर JNU के अंदर बैठ के साजिश करते हैं, उनकी साजिश सफल नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री से और देश के राष्ट्रपति से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हाँ, इतिहास के अंदर कुछ त्रुटियां हैं, अकबर महंते ऐसा लिखा इन लोगों ने, हमने कहा महाराणा प्रताप महान थे, और ऐसा ASI ने किया है, अकबर महान नहीं थे, अकबर ने कभी युद्ध नहीं जीता हल्दी घाटी का, तो हमने उन विषयों को ठीक कराने के लिए बकायदा चिट्ठियां लिखी हैं और वो ठीक हुए। अगर इनको कोई आपत्ति है तो वहां दर्ज कराएं, परंतु अगर सरकारी जमीनों पर, ASI की जमीनों पर कोई कब्जे करेगा और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को अपने बाप का नाम बदलना हो, जाति बदलनी हो, तो उसका एक प्रोसीजर है भारत सरकार का, कानून के अंदर एक सिस्टम है। सर, वो खुद को छत्री तो मान रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, छत्री मानना, छत्री का मतलब है रक्षक, असहाय की, पीड़ितों की, दलितों की, इनकी चिंता करने वाला, देश की चिंता करने वाला, देश की रक्षा करने वाला, देश के अंदर जमीनों पर कब्जा करने वाला छत्री नहीं होता। जिनको आरक्षण चाहिए वो मांगे, आरक्षण मांगते समय उन्होंने जो प्रमाण दिए वो भी देख लेते जरा। तैयारियां हैं, प्रशासन को आपने अवगत करा दिया है, किस तरह से अगर लेंगे, अगर ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है फरीदाबाद प्रशासन में कमिश्नर ऑफ पुलिस, DC और नगर निगम कमिश्नर सख्त कार्रवाई करेंगे।